जो तस्वीर देख रहे हो कुछ नौजवान आपस में लड़ रहे हैं पर इन्हों का कोई आपसी मतभेद नहीं, यह तो चोर तो पुलिस का खेड है। दस दिए पुलिस ने बदमाशों को फड़ लई जाल बिछाया हुआ सी पर चोर पुलिस को ही ठेंगा दिखा के रफू चक्कर हो गए। घटना यमुनानगर के मॉडल टाउन की है जिथे एक तो बाद एक स्नैचिंग वर्गियां वारदातें हो रही सन। पुलिस ने शरारती अंसरां नूं फड़ लई जाल बिछाया हुआ सी। पुलिस मुलाजमान नूं बाइक सवार ते शक होया ते पिछा कर एक बदमाश नूं फड़ लिया अते उसदे ही दूजे साथी नूं मौके ते चोर दे फोन तो कर घटना स्थान ते बुलाया ते दोवें बदमाशां नूं पुलिस ने काबू कर लिया। बदमाशां दा हौसला इन्ना बुलंद सी जदों पुलिस मुलाजमान ने दोनों बदमाशों नूं फड़ लिया तो एक बदमाश ने पुलिस मुलाजम ते ही हमला कर दिता। एक नूं देखदे दूजे ने भी पुलिस ते धावा बोल दिता जबकि पहला बदमाश पुलिस वाले नूं मुक्का मार के सड़क ते सुट भज निकलिया पर पुलिस मुलाजम जख्मी हालत विच भी उन्हां नूं फड़न की कोशिश करते रहे अते जख्मी होने कारण सड़क ते पैर स्लिप कारण पुलिस मुलाजम सड़क ते डिग जांदे हन। इस गल दा फायदा चुक उस जगह तो चोर रफू चक्कर हो निकलदे हन। पुलिस वालों सारा इलाका सील करन तो बाद एक नूं राउंडअप कर पुछगिछ की जा रही है। सी एस स्टाफ वालों एक नूं गिरफ्तार कर लिया गया है तो दूजे की पाल की जा रही है। लगभग ये टाइम है 6:45 के करीब का, तो देखा यहाँ पे ना कुछ आवाज़ें आ रही है पंजाबी में, गाली गलौच हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई आपस में लड़ाई हो रही है। तो ऊपर से जब मैंने देखा तो दो बंदों ने एक बंदे को पकड़ रखा है, दो बाइकें यहाँ पे खड़ी हैं, तो एक की शर्ट फाड़ रखी है और वो एक बंदा भाग जाता है। इतनी देर में वो दो बंदे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बंदा इस तरफ निकलता है। मारपीट हुई है, फिर उन्होंने उसकी जो शर्ट थी वो इधर डाल ली है, फिर उससे बात करे थे, फिर मैंने उनसे पूछा भैया हुआ क्या, लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है, तो वो कह रहे भैया ये पीछे किसी लेडीज़ की चेन स्नैच करके आया है, बस इतनी बात है। उसके बाद तो पुलिस ही पुलिस आ गई, उसके बाद तो हमें ही नहीं पता कब क्या हुआ। इधर भी भीड़ आ गई, इधर भी भीड़ आ गई, एकदम से पब्लिक इकट्ठी होगी, सारी तरफ पुलिस की गाड़ी और बाइक्स वगैरह घूमने लगी। तो आज सुबह CIA 2 की टीम को जैसे ही सूचना मिली तो CIA 2 की टीम ने अपना वहाँ पर ट्रैप बिछाकर एक आरोपी को शक के बिना पे पकड़ा, तो फ़ोन करके उसके फ़ोन के द्वारा दूसरे आरोपी को भी वहाँ पर बुला लिया गया। दोनों आरोपियों के द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, तो हमले के दौरान हमारे भी दो मुलाजिम घायल हुए। तो जिस संदर्भ में थाना शहर में 307, 332, 353 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी उनके फर्दर प्रीवियस डिटेल्स को, जिन्होंने 5 स्नैचिंग कबूली हैं, बाइक के द्वारा स्नैचिंग करते थे, चेन स्नैचिंग इनके द्वारा की जाती थी और पुरानी इनकी हिस्ट्री है वो ICGS पोर्टल और अदर अन्य उसके द्वारा खोजी जाएंगी। सर अभी हमने राउंड अप करके उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी पूछताछ के बाद गिरफ्तारियों के साक्ष्य के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। एक अभी हमने राउंड अप एक को किया, उसकी आगे फर्दर डिटेल्स पे दूसरे को भी, दोनों सहारनपुर UP के अभी होने पाए जा रहे हैं। तो तस्वीर तुम देखिया किमें चोर पुलिस वाले ठेंगा दिखा के रफू चक्कर। ब्यूरो रिपोर्ट, PDC न्यूज़।